ठीक है, हमने हृदय में कस करके कृष्ण को पकड़ा हुआ है, मजबूती के साथ हमने दृढ़ करके हमने पकड़ा हुआ है, हम उसे अपने हृदय से अलग नहीं कर सकती। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकड़ी, जागते हुए सोते हुए स्वप्न में दिन में और रात में हर अवस्था में, चाहे हम जागे हुए रहें चाहे सोए हुए रहें, चाहे हम स्वप्न में रहें चाहे हम दिन में रहें चाहे रात के समय हो, कान्हा कान्हा जकरी है। जकरी का मतलब होता है रटते रहना, हम तो सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही रटती रहती हैं। चाहे हम जागे चाहे सोए, चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे किसी भी समय, हम हमेशा कृष्ण कृष्ण ही अपने हृदय में रटती रहती हैं, हम उससे अलग अपने को नहीं कर सकती। सुनत जोग लागत है जो करवी ककरी, और कह रहे हैं कि तुम्हारे योग की बातें सुन करके तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो, जैसे कोई कड़वी ककड़ी खा लेता है और उसका मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, कसैला हो जाता है, उसे आनंद नहीं आता। उसी प्रकार तुम्हारा योग क्या है, एक कड़वी ककड़ी के समान है जो हमें रुचिकर नहीं, जो हमें पसंद नहीं, इससे हमारा मन और विरक्त हो गया है, इससे हमारा मन और दुखी हो गया है। क्योंकि प्रेम तो सहज है, सरल है और सरस है, उसमें तो एक आनंद है, लेकिन आपके योग में कोई भी आनंद नहीं है, ये कड़वी ककड़ी के समान है जो हमें अच्छी नहीं लगी। ठीक है, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, तुम तो हमारे लिए एक ऐसी व्याधि, व्याधि माने रोग, ऐसी बीमारी, ऐसा रोग हमारे लिए लेकर के आ गए हो जिसे ना हमने कभी सुना था, ना कभी हमने देखा था और ना कभी हमने जाना था। ठीक है, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो कड़वी ककड़ी, तुम्हारे इस योग को सुन करके तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कड़वी ककड़ी के समान है। अरे उद्धव, तुम तो ऐसी व्याधि, ऐसा रोग हमारे लिए लेकर के आ गए हो, ठीक है, जो हमने आज तक ना कभी सुना था, ना देखा था और ना ही कभी भोगा था। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री, और कह रही हैं गोपियां कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को कहती कि हे उद्धव, ये तो तुम रोग उसी को जाकर के सौंप दो, ये योग रूपी रोग जो तुम हमारे लिए लेकर आए हो, जाओ ये उसी को जाकर के सौंप दो जिनके मन चक्री, जिसके मन में चक्कर है, यानी जिसका मन अस्थिर है। ठीक है, जो चंचल है, हमारा मन तो चंचल नहीं, हमारा मन तो अस्थिर नहीं, हमने तो कृष्ण के भक्ति उनके प्रेम में अपने मन को स्थिर कर दिया है, हमारे हृदय में तो सिर्फ कृष्ण का ही वास है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा आ नहीं सकता, और हमारा मन भी स्थिर हो गया, हम कृष्ण को छोड़कर कहीं अतिरिक्त जा भी नहीं सकते, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कृष्ण का मन अस्थिर है, कृष्ण का मन चंचल हो गया, वो कभी प्रेम और कभी योग की बातें करते हैं, तो योग जो तुम हमारे लिए लेकर आए हो ये तो जाकर के तुम कृष्ण को ही दे दो, ताकि उनका अस्थिर मन भी स्थिर हो जाए। ठीक है, हमारा मन तो स्थिर है, हमें और किसी चीज की अब आवश्यकता नहीं है, अब हमें कृष्ण की भक्ति और प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, हमने इसको पढ़ा तीसरे पद में कि हमारे लिए हमारे हरि यानी कृष्ण कैसे हैं, हरिण पक्षी की लकड़ी के समान है, जैसे हरिण पक्षी अपनी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, वैसी कृष्ण को हम कभी छोड़ नहीं सकते। हमने मन वचन कर्म के द्वारा नंद नंदन यानी कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ कर यानी मजबूती के साथ पकड़ लिया है, अब हम उन्हें कभी अपने से अलग नहीं कर सकते। सुना, जागते सोते सपने में दिन में रात में हर समय हम सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही रटते रहते हैं और हमें इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रहता। तुम तो ऐसा ये जो योग के लेकर के हमारे लिए लेकर के आए हो, ये तो एक कड़वी ककड़ी के समान हमें लगती है, जो हमें रुचिकर नहीं है, हमें अच्छी नहीं लग रही है। हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए एक ऐसा रोग, ऐसी व्याधि लेकर के आ गए हो, ऐसी बीमारी लेकर आ गए हो जिसे ना हमने आज तक कभी देखा था, ना सुना था और ना कभी जाना था। ये तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को कहने के, उद्धव ले जाओ, ये तो उन्हीं को जाकर सौंप दो, उन्हीं को दे दो जिनका मन स्थिर है, जिनके मन में चक्कर है, यानी कि जो स्थिर नहीं है, जो अभी भी प्रेम और भक्ति में स्थिर नहीं, बल्कि उनका मन भटकता रहता है। हमारा मन तो नहीं भटकता, हमारा मन तो कृष्ण की भक्ति या प्रेम में एक हो गया है और स्थिर हो गया है, अब हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, शायद कृष्ण को इसकी आवश्यकता हो, तो जा करके तुम यह रोग या कृष्ण को ही दे दो। ठीक है, यह हमने देखा। अंतिम पद है इसका चौथा वाला, हरि है राजनीति पढ़ी, हरि
हरी है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइये चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनिति करें आप उन्हें जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर्यो पर जा न जाही सताए। ठीक है, यहाँ पर गोपियों ने उद्धव से कहा कि कृष्ण अब राजनीतिक व्यक्ति हो गए हैं। ठीक है, कृष्ण क्या हो गए, पूरी तरह से राजनीतिक व्यक्ति हो गए हैं। हमारे साथ जब थे, यहाँ थे, तब एक सहृदय व्यक्ति थे, सभी के प्रति उनके मन में दया थी, प्रेम का भाव था, लेकिन लगता है जब वो मथुरा चले गए तो वहां की राजनीति में खो गए। पूरी तरह से अब वो राजनीतिक व्यक्ति ही हो गए हैं, राजनीति उन्होंने पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, और कह रही है कि हे मधुकर, भोरा और उद्धव दोनों के लिए यहाँ पर कहा गया है। मधुकर का मतलब होता है भोरा, और यहाँ पर उद्धव के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि हे उद्धव, समझी बात कहत सब, तुमने जितनी भी बातें कही है वो सारी की सारी हमने समझ ली है, समाचार सब पाए, और वहां के सारे समाचार हमने पा लिए हैं, सब कुछ खबर हमें मिल गई है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, एक तो वो पहले से ही बड़े चतुर थे, बड़े सियाने थे, उनकी चतुराई को हर कोई जानता था कि कैस कितनी जल्दी से वो अपने बात को बदल देते थे, पलट जाते थे, और किस तरह से वो जो है अपना अपनी चतुराई को यहाँ पर दिखाया करते थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो लगता है कि उन्होंने गुरु ग्रंथ ही पढ़ लिया है, लगता है उनको कोई राजनीतिक गुरु मिल गया है, एक अच्छा गुरु मिल गया है जिससे उन्होंने अच्छे तरह से राजनीति को पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, हमें तो लगता है कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है, यानी वो ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं, पहले से ज्यादा ज्ञान उनको हो गया है, शायद इसीलिए उन्होंने हमारे लिए इस योग के संदेश को भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, हे उद्धव, पहले के ही लोग अच्छे थे। पहले के लोग क्यों अच्छे थे कि परहित डोलत धाए, धाए माने दौड़कर, डोलना माने भागना आना। ठीक है, और पहले के ही लोग अच्छे थे जो दूसरे के हित के लिए, दूसरे की पीड़ा और दुख को दूर करने के लिए दौड़ करके आ जाते थे, जल्दी से आ जाते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत चूहते चुराए, अब हमको तो लगता है कि हमें अपना मन वापस ले लेना चाहिए, कृष्ण से अपना मन फिरा लेना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए। चलत जो होते चुराए, जो जाते समय वो चुरा करके ले गए थे, यानी कृष्ण जब ब्रज से मथुरा गए तो हमारे साथ वो हमारा मन भी लेकर चले गए। अब तो हमारी इच्छा ऐसी होती है कि हम कृष्ण से अपने उस मन को वापस ले लें। ये क्यों अनिति करें आप उनजे और अनिति छुड़ाए, वह क्यों अनिति का कारण बन रहे हैं, वो दूसरे के प्रति क्यों अत्याचार कर रहे हैं, जे अनिति छुड़ाए, जो औरों के प्रति अनिति को अत्याचार को कभी भी सहन नहीं करते थे, दूसरे पर अगर दुख और अत्याचार होता था तो उसकी वो सहायता क्या करते थे, आज वो खुद क्यों अनिति करने लगे, अन्याय करने लगे, जो दूसरे के साथ हुए अन्याय को देख करके उन्हें न्याय देते थे, आज हमारे साथ वो अन्याय क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो पर जा न जाहि सताए, हे सूर, सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं कि राजा का धर्म तो यही होता है कि वो अपनी प्रजा को ना सताए। राजा का धर्म क्या है कि वो अपनी प्रजा की पीड़ा को दूर करे, उसके दुख दर्द को दूर करे, उसे वो कभी सताए नहीं। तो कृष्ण फिर आज हमें क्यों और दुखी कर रहे हैं, ये उसका संदेश भेजकर क्यों उन्होंने हमें और दुखी कर दिया है। राजा का तो यही धर्म होता है कि वो प्रजा का दुख को दूर करे, उसे सताए नहीं। ठीक है, अंतिम पद हमने ये पढ़ा कि हरि है राजनीति पढ़ाए, कृष्ण लगता है अब राजनीतिक व्यक्ति हो गए हैं, ज्यादा राजनीति उन्होंने पढ़ ली है। एक तो मधुकर है भोरा, हम सब कुछ समझ गए और सारा समाचार हमने वहां का पा लिया है, अब कुछ जानने की इच्छा हमारी नहीं है। एक तो पहले से ही बहुत चतुर और बहुत चालाक थे, ठीक है, लेकिन लगता है कि अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, अब तो कोई गुरु भी उन्हें मिल गया है जिसने उन्हें राजनीति और चतुराई और ज्यादा सिखा दी है। उनकी बुद्धि लगता है बहुत बढ़ गई है, ज्यादा विद्वान हो गए हैं, वो ज्यादा बुद्धि वाले हो गए हैं, शायद वो भूल गए हैं कि हमारा स्वभाव कैसा है और हम उनसे कितना प्रेम करती हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए योग का ये संदेश भेजा है। हे उद्धव, इससे तो पहले के ही लोग अच्छे थे जो दूसरे के कष्ट और न्याय को देखकर दौड़ करके उसका हित साधने के लिए चले जाते थे, उसकी भलाई करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए चले जाते थे। अब तो हमें ऐसा लगता है कि हमें अपना मन कृष्ण से वापस ले लेना चाहिए, जो जाते समय वो अपने साथ चुरा कर ले गए थे।
हे उद्धव, वे क्यों अनीति कर रहे हैं, वो क्यों अपने आप अन्याय कर रहे हैं, जो दूसरों के अन्याय को हमेशा छुड़ाते रहते थे, जो हमेशा दूसरों के साथ होते अन्याय को देखकर उन्हें न्याय देते थे, उनकी सहायता करते थे, आज वो हमारे ऊपर इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हैं, हमें ये योग का संदेश उन्होंने क्यों भेजा है। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कहती है उद्धव, राजा का तो ये धर्म नहीं है कि वो अपनी प्रजा को कष्ट दे, अपनी प्रजा को सताए, राजा का तो धर्म है कि अपनी प्रजा के साथ न्याय करे, उनके दुख और उनकी पीड़ा को दूर करे, लेकिन आज कृष्ण हमारे दुख और पीड़ा को दूर न करके बल्कि हमें और ज्यादा पीड़ित कर रहे हैं और ये राजा का धर्म नहीं होता है। ठीक है, ये आज हमने इसमें पद पढ़ा, अब इसके प्रश्न उत्तर प्रश्न अभ्यास वाले ये भी आपको अगली वीडियो में बताएंगे।